चीन में कोरोना महामारी का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। अस्पतालों के हालात ठीक वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे भारत में हुए थे। मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें जमीन पर लिटाना पड़ रहा है। वायरस विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की करीब 60% आबादी और धरती की कुल 10% आबादी अगले 90 दिनों में संक्रमित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये केवल शुरुआत भर है। अनुमान है कि कोरोना संक्रमण से 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। वायरस विशेषज्ञ एरिक फेगल के मुताबिक चीन की राजधानी बीजिंग में लगातार लाशों का अंतिम संस्कार चल रहा है। मुर्दा घर भरे हुए हैं, लाशों को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत है। 2000 लाशों का अंतिम संस्कार किया जाना है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि साल 2020 के हालात फिर से आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये चीन में हो रहा है न कि यूरोप समेत पश्चिमी देशों में। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद कोरोना के मामलों में भयानक तरीके से वृद्धि हुई है। इसकी चपेट में अब चीन की 60% आबादी आ सकती है। पूर्वोत्तर चीन में अस्पतालों में लाशों का अंबार लग गया है, लेकिन सरकार उसे छिपाने में जुट गई है। चीन ने सोमवार को कोविड-19 से 2 नई मौतों की पुष्टि की है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा 3 दिसंबर से सांस की बीमारी से कोई मौत नहीं होने की रिपोर्ट के बाद आधिकारिक तौर पर 2 मौतें बताई गई हैं। इसी के साथ रिपोर्ट सामने आई है कि शमशान में आने वाले कोविड सकारात्मक शवों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।